एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग अपलोड नहीं किया मैंने क्योंकि कल शूट ही नहीं किया था गाइस। कल मैं भोपाल गया हुआ था पापा के साथ और कॉलेज भी गया हुआ था, तो कल मैं बिल्कुल शूट ही नहीं कर पाया ब्लॉग, मतलब मैंने किया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने किया ही नहीं। पहले मैं कल मंदिर गया हुआ था, ट्यूजडे था, फिर उसके बाद मेरे जैसे मंदिर से आया मैं तो कॉलेज से फ़ोन आ गया था, तो कॉलेज जाना पड़ा। फिर कॉलेज में बहुत टाइम लग गया था, 2-3 घंटे मुझे कॉलेज में लग गए। फिर वहाँ से अल्टीमेटली पापा और मेरा भोपाल जाने का प्लान बन गया, तो मैं कॉलेज से आया, पापा को पिक किया और हम लोग भोपाल लग गए। फिर वहाँ से हम लोग शाम तक आए थे, रात तक आए थे, फिर फीवर भी थोड़े कम थे वो निपटा, तो मैंने कल ब्लॉग किया ही नहीं। और कल भोपाल गया था शूट के काम से, तो कुछ भी नहीं हुआ कल भी, बस गया तो एक ये लेके आया, कैसे लगी आप लोगों को बताना है, एक जैकेट लेके आया और कुछ भी नहीं लेके आया मैं। तो फिलहाल तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आज रिपब्लिक डे, तो आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो इस अभी नाश्ता करने के बाद अब मैं जाऊँगा ग्राउंड, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड पे अभी ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड, वहाँ पे ना हर रिपब्लिक डे पे बहुत अच्छे अच्छे डांस होते हैं। मतलब जितने भी स्कूल है ना हमारी सिटी में, सारे स्कूलों से एक एक ग्रुप आता है और सभी डांस करते हैं, और जो भी मतलब अच्छा डांस करता है उसको प्राइज़ मिलता है। फिर जब मैं मेरे स्कूल में था दूर माता में, तो हमेशा फर्स्ट प्राइज़ हमें ही मिलता था, हमें पता नहीं चली कितनी बार फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और बहुत बार तो मैंने ही पार्टिसिपेट किया, जब मैं 8th, 7th, 9th क्लास में था, 3 से 4 बार मैंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, फिर रौनक देखते हैं, रौनक चलते कि नहीं चलता, फिर रौनक या तो फिर मैं अकेले चला जाऊँगा देखने, रौनक चलेगा तो चलेगा, उससे पूछ लेता हूँ मैं। फिर अगर वो जाएगा तो फिर रौनक और मैं जाएंगे और देखेंगे, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। 5 minutes later प्रोग्राम तो ख़त्म ही हो गया, मैंने मेरे भाई को कॉल किया, वो गया हुआ था, तो वो बता रहा कि प्रोग्राम तो ख़त्म ही हो गया, 1 घंटे का प्रोग्राम था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का। तो गंदे वाला पोपट हो चुका है, प्रोग्राम में आने के लिए मस्त जैकेट वैकेट डाली थी, नहीं नहाया हुआ था और प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो लगा कि प्रोग्राम चलेगा थोड़ा लेट था, क्योंकि जब हम जाते मतलब ऐसे कोविड की वजह से उन्होंने थोड़ी मतलब कम देर का ही करा मतलब प्रोग्राम, तो जब हम जाते थे जब तो सुबह का चालू होता था और शाम होने को जाती थी, प्रोग्राम चलता ही रहता था, मतलब दिन भर ही प्रोग्राम चलता था। मुझे लगा आराम से जाऊँगा, प्रोग्राम चल रहा होगा, स्टार्ट ही हुआ होगा। जैकेट कैसी लगी मेरी? अच्छी लगी। और कप कैसा लगेगा इसमें, कप भी लेके आया अंकल, कप कैसे लगे वाले? अच्छे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गाइस आज भाभी को बुलाया हुआ है खाना बनाने के लिए घर पे, शरण में आई तो मैं भाभी को बुलाया खाना बनाने के लिए। कैसा लगा भाभी खाना बना के हमारे घर में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चाय किसने बनाई? पेट दुखने लग गया मेरा। वहाँ तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया था। कहाँ पर? वहाँ पर ग्राउंड पर, मुश्किल से 1 या 2 घंटे हुआ बस। अरे 1 घंटे हुआ, 2 घंटे भी नहीं हुआ, पता ही नहीं था अपन को, मैं को तो पता ही नहीं था। नहीं कभी तूने पार्टिसिपेट किया क्या स्कूल वाले टाइम में? अपन जब स्कूल टाइम पार्टिसिपेट करते जब कितने कितने मतलब जब मैं करता था मतलब दिन भर चलता था ना, पर इस बार तो कोविड के कारण 1 घंटे हुआ मुश्किल से और ख़त्म ही हो गया। अरे वो अपना पुलिस ग्राउंड नहीं है, अच्छा जहाँ पे परेड होती है। हाँ, हाँ, हाँ। वाली ग्राउंड में, पुलिस लाइन में अपन चलते देखने। मैं तुझे बुला ही रहा था, मैं राइड में भी रेडी हो गया था जैकेट वैकेट डाल के, फिर वो तो पवन ने पवन का कॉल किया तो उसने बोला कि प्रोग्राम ही खत्म हो गया, 1 घंटे हुआ, बोला था कोविड के कार्य नहीं हुआ, मैंने शाम तक चलता है वहाँ तो प्रोग्राम। हम लोग परेशान हो जाते थे, जाते थे वहाँ सुबह के जाते थे और दिन भर पूरा वहीं पे तो परेशान हो जाते थे। हैप्पी रिपब्लिक रिपब्लिक डे। गाइस सुन, तो आज एक लव बर्ड निकाल के पकड़ लें हाथ में, हाँ निकालें क्या? उन्हें उड़ना तो आता नहीं वैसे भी, तुझे उड़ना आता है? यहाँ से नीचे फेंकूं तुझे मैं? देखते उड़ पाती है। यहाँ से नीचे देखते हैं हम तुझे, क्यों रौनक? फिर देखते तो उड़ पाती है कि नहीं, क्यों? 2 hours later मैं निकल रहा हूँ एडिक्ट के साथ कहीं पे बाहर, क्योंकि मैं सुबह से घर पे हूँ, कहीं पे घूमने भी नहीं गए और ग्राउंड तो जाना हुआ ही नहीं आज, पूरा प्रोग्राम ही हो ही गया था पहले से। तो मैंने एडिक्ट को बुलाया हुआ है, वो आया है कार लेके, उधर चौराहे पे खड़ा हुआ है वो बाहर, तो अभी तो निकलते हैं बाहर, चलते हैं एंजॉय करेंगे, कहीं घूमेंगे। शायद से वो उधर खड़ा हुआ है चौराहे पे। गाइस मुझे लगा ये वहाँ पे खड़ा हुआ सामने, पर खड़ा। हैप्पी रिपब्लिक डे।
तारे ने पसंद मैनू हेटा सारे लांदे वाना तारिया दे विच जदो मैनू दिखेगी मेरी याद जदो आओगी तो पता लगूगा दिल नाल लाड़े नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदो टूटूगा तो पता लगूगा पर दुरुस्त आए हम लोग फ्लैग के पास पहुंच चुके हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, बाकी क्या हम रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैग है तो उधर थोड़ी वीडियोस भी शूट कर लेंगे, बट फ्लैग के पास पहुंच गए भले चाहे लेट आए, हम झंडा बंधन में नहीं आ पाए। पर हाँ वैसे भी फ्लैग का झंडा बंधन हुआ ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत बड़ा है तो इसका तो हुआ ही नहीं है, बाकी और कहीं ग्राउंड में हुआ होगा। हाँ देखो इतना ऊपर है कि हमारी गर्दन दुख रही, देखो मेरा वाइड एंगल गाइस इतना है कि देखो गाइस सब कुछ ले रहा है गाइस सब कुछ, देखो वाइड एंगल भाई तुम्हारे भाई का येलो फ्लैग तो बहुत ज्यादा बड़ा है बे, लिटरली सबसे बड़ा है भाई सीओर का। जब इसका झंडा बंधन भी नहीं हो पाया पता है झंडा कैसे होगा भाई, कौन कैसे कर सकता है। हाँ हो तो सकता है पर डूबा भी नहीं ना, नीचे फूल पड़े होते वरना, और बाकी रस्सी तो लगी हुई 12 महीने वाला है ना, 12 महीने रहता है। हाँ वो तो 12 महीने रहता है उसका तो रोज ही सम्मान। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने आए थे एडिक्ट की, थोड़ी मतलब ऐसे रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट पे, तो वो शूट करते हैं फिर यहाँ चलेंगे। मस्त आ रहा है ए? देख इधर से पूरा आ रहा है क्या ये वायर, अरे थोड़ा पर अंदर से बना लेंगे ना, ये इधर खंबे के पास छोड़ के बना लेंगे। कार का यूज लेना है ना, ठीक मेरा नहीं लेना। तो एक काम कर वहाँ कार वहाँ पे पार्क कर दे सामने, ठीक है वही सही लगेगा, पैच दिख रहा है ना वो पैचेस वहाँ पे पार्क कर दे। चल मैं तुझे बताता हूँ तू, हाँ तू पार्क कर, आने दे थोड़ा देर मेरी साइड काट ले, हाँ मेरी साइड काट ले, आने दे ठीक है अब यहाँ पे ठीक है, बस इतना पीछे मत लेके जा, अरे परफेक्ट है यहाँ पे, बस परफेक्ट है मैं, हाँ इसे टेढ़े में सही लगी है वरना तो, हाँ ना आउटसाइड घुमा दे आउटसाइड, बाहर हाँ फ्रंट में नहीं बाहर कर, और सुन थोड़ी गाड़ी को आगे लिया उस साइड पूरा, हाँ पूरा लेफ्ट साइड घुमा के गाड़ी को थोड़ी आगे लिया, घुमा लेफ्ट साइड, बस हाँ परफेक्ट है, अब हैंड ब्रेक हाँ बस परफेक्ट है। आ चुके हैं शूट करके, अब हम लोग मतलब रिपब्लिक डे की हमारी एक ऐसे रैली टाइप की निकलती है, सभी एडिक्ट और मैं उसे ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे, मुझे जिम भी जाना है पर फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहे थे चलो, तो अभी एडिक्ट और मैं उस रैली में ज्वाइन होने वाले हैं, और रैली आ भी गई है, पूरी रैली आगे चल रही है और हमारी कार पीछे, और हमने उसे फ्लैग भी लगा लिया था, अच्छा लग रहा है ना फ्लैग, अच्छा लग रहा है फ्लैग यार, आगे लेते अपनी गाड़ी पीछे चल रही है। लल गाइस यहाँ पे तो पूरी मतलब रैली एंड हो चुकी है, और मुझे ऐसा भी फील आ रहा है शायद यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी होगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स दिख रही हैं मतलब ड्रेसअप में, सो मे बी डांस हो सकता है, देखते हैं जैसा भी होगा। घर निकलते हैं क्योंकि मैं जिम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, जिम में जा निकलना है, और इधर तो डांस बहुत लेट चालू होगा हम लोगों ने पूछा, सो अब तो घर निकलते हैं फिर रेडी होकर जिम के लिए निकलेंगे। चल गाइस मैं तो घर आ चुका हूँ और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आज हम सुबह तो नहीं जा पाए, प्रोग्राम हो गया था, मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, पता नहीं और कितनी बार बोलूँगा, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ, हाँ तो वाले प्रोग्राम में तो हम जा नहीं पाए, बट उसके बाद हमने बहुत इन्जॉय किया, मेरे एडिक्ट के साथ जब बाहर गए और रैली में गए तो बहुत इन्जॉय किया, और अभी जब वहाँ गए थे वो तो डांस बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था, इस वजह से फिर मुझे जिम भी जाना था ना, तो मैं वापस घर आ गया। फिलहाल तो मैं रेडी आऊँगा, अपना बैग पैक करूँगा और जिम जाऊँगा, और फिर कल से फिर एक और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और एक और चीज़ गाइस क्योंकि मुझे बहुत दिन से बोलनी थी पर मैं बोल नहीं रहा था, मेरे बोलने का मन नहीं था ये चीज़ आप लोग मतलब से बोलने का क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ और बहुत दिन से मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ कि
बहुत से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मतलब जो मेरा पिकअप पॉइंट होता है, मैं इंटर होता है, उन सब चीज़ों को लेकर। तो मैं ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोलूँ उन्हें, बट हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच ट्रोलिंग करने के लिए, और दिल से थैंक यू सो मच। फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। होप आप लोग आज का व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।